उन्होंने कहा कि मुझे जान मूझ के सजा दे रहे कि मैं रोज जाता तो अब तुम भी देखो मैं कैसे जाता। इतनी क्यूट, इतनी क्यूट, इतनी चेक करो इसकी क्यूटनेस। ਮੈਂ ਦੀ ਪਈਆਂ ਬਈ ਜਿਤਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਪਲਾਟ ਵੇਖਣ अगर आपने इसको दो चपेड़े नहीं मारी तो मार लीजिएगा। चलो सॉरी सॉरी, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और भाई अभी अभी मैं स्कूल से घर वापिस आया हूँ, थका हुआ तो काफी ज्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा थका हूँ, टूट जाता हूँ, रोज़ आता जाता हूँ ना तो टूट जाता हूँ। वैसे अभी उधर ही जा रहे हैं, रास्ता तो आपने देखा हुआ ये, लेकिन अब हो गई है बस 6 साल हो गए मुझे ये सफ़र करते करते। और अब मतलब लोग मुझे मिलते हैं ना तो वो मुझे कहते हैं कि आपका अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ नहीं, वो कहते हैं यार तुम्हारी हिम्मत है, हम तो एक दिन इस रास्ते से ना गुजर पाए। मैं भी सोच रही थी एक दफ़ा दो दफ़ा मैं बाइक पर आई हूँ ना, तो मुझे लगता था मुझे हफ्ता कोई ना उठाए चार पाई। तो मैं इसको ना बाइक पर लेने गया था एक दफ़ा शोरकोट सिटी से, तो इसकी हो गई थी बस, और उस दिन हमारी लड़ाई भी हो गई थी। मैंने कहा कि मुझे जानबूझ के सजा दे रहे कि मैं रोज जाता तो अब तुम भी देखो मैं कैसे जाता। हाँ तो एहसास होना चाहिए यार, मुझे एहसास है, बगैर बताए मुझे एहसास है। ये कैसा एहसास है वक्त, मुझे पता है यार और कैसे एहसास करते होते, केयर ही कर। मैंने कहा चलो इसको बताऊं तो सही, मैं कितनी मुश्किल से आता हूं, कितनी मुश्किल से कम आता हूं। बीवी को इस चीज का एहसास होना चाहिए। तो मुझे अच्छे से एहसास है, मैं खुद ये मैं इसलिए तुम्हें एहसास दिला रहा था क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था, हमने डिसाइड किया था कि हमने 70,000 में गुजारा करना है। जब इस चीज का एहसास होगा ना तुम्हें कि कैसे कमाए जाते हैं पैसे, तब तुम 70,000 में। मुझे बहुत अच्छे से एहसास है, अपनी फिक्र करो। अच्छा खैर, अभी अम्मा जी की कॉल आई है, आपको पता है कि वो लाहौर गए हुए थे घूमने फिरने के लिए भाई लियाकत के साथ, तो अभी वो आ रहे हैं वापस और उन्होंने कहा है कि हमें शुरकोट सिटी टर्मिनल से लेके जाओ। वो अभी हम निकलने लगे हैं, दोनों अम्मा जी ने कहा भाई दोनों आ जाएं गपशप लगाते हुए तो हम भी तब तक पहुंच जाएंगे और फिर उनको रिसीव कर लेंगे। मैंने कहा किरण को भी तुम भी साथ तैयार हो जाओ, वैसे तो कभी निकलना होता नहीं बाहर, तो चलो ऐसे आते जाते चलो बंदा चला जाता है बाहर की हवा खा के आता। वैसे अब सही खुशी नजर आ रही है आपके चेहरे से। वो कैसे, क्योंकि जब से अम्मा गई है ना आपने सीधी उदास वाला मुंह बनाया, अब वो खुशी आ रही है। हाँ सही बात है, सही बात है, अम्मा घर में ना हो ना उदासी जो है ना होती है। मैं निकलू ना जैसे ही मैं निकलू, मतलब पहले मैं निकलती थी तो यहाँ पे शोर होता था, अब 2-3 दिनों से इतना सन्नाटा पूरा सहन खाली पड़ा होता है। इधर अब्बा जी भी घूम रहे हैं, अब्बा जी बेगम आ गई है तुहाड़ी। अच्छा हाँ जी लमन जानते पे आवना तो नहीं किरे शोरकोट ओ किथे आंदी पई है ओ गड्डी ते बैठी होई है शोरू लमन जाऊं। अच्छा दो में जाने जाऊं, दोने दोवे जने जांदे पे। चलो तत्रिया मई में क्यों लावें, जो दो बंदे न को एक तू चार है एक को चार है। अच्छा चलो ठीक है, हम घर से निकल पड़े हैं। और अम्मा जी कितनी देर तक पहुंच जाएंगे? अम्मा जी ने कहा था जब कॉल आई थी तो कह रही थी कि आधा घंटा हमें लगेगा पहुंचते हुए, तो मेरे ख्याल में हमने 20 मिनट तो इधर ही लगा दी। मेरे ख्याल में जब मैंने अम्मा जी को कॉल की थी ना तब वो कह रही थी हमने 2:30 बजे हमने निकलना, यानी उनका टिकट जो है ना 2:30 बजे का था, तो अभी तकरीबन 3:45 का टाइम हुआ है, तो उस हिसाब से आप खुद ही देख लें हमारे जाते ही वो आ जाएंगे तब तक मेरे ख्याल में। तो 2.5 से 3 घंटे का सफर है। अभी हम बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है वो भी पहुंच ही गए होंगे या वो इंतजार कर रहे होंगे। वो देखो शायद इधर भी कॉल कर रहे थे। हाँ जी घुमाटू मारे आए हो। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? आ बड़ा खबर लिए भाई, इधर तो मैं बहुत कोड़ा लगता भी है। रास्ते में हमारा प्लान बन गया है, हम आज स्पेशल मेहमान बनने जा रहे हैं और आगे ये देखें भाई मेहमान नवाजी खीर हो रही है। कह रही ओए रोटी खाती हो दे। ओए यही सुत्ता बैठे बजी में सारी रात हमारी तुमने डाल एक कुटेल दी है तेरा मेकअप करें दी है तेरी सामान नहीं देती। ओए होए होए भाई मेकअप दी गल तो याद आया। हां शरत असि ला बैठे से सच्ची गल चल तो ला बैठे से लेकिन बेइज्जती बम हो गई यार। मैं तो योजी वैसे मैं कभी नहीं समझे इन चीजों को, मैं तो शुगर ले ची लेना एंजॉयमेंट फन सारे करें दे। ओ तो इन्हें ही है ना बड़ी अमाम भाई सीरियस पे है। मैं होना क्या जा रहा हूं की करिए। अच्छा नहीं मैं तुम्हारी की मल पेश है, मैं सालन बना लिया आटा गूंथ लिया मैं कि मैं जल्दी जल्दी पे रोटियां बना लूं ना मां नमते पे गिन गिन के ते हुन तुसी आ दिया वैसे खा के बे इन नहीं जाती है एक एक निवाला सही दिखा के पकाया आ जा।
नहीं अचार गोश्त खा गया नहीं पता की है चिकन सारा बनाने लग गया तो मोल मैं के वसीन में पसंद नहीं बेच कुछ ना कुछ पा लेनी है सब्जी भी और मैं जल्दी जल्दी सब्जी च पाई है वो मटर गाजर सब कुछ पका सटे चलो ये अच्छा किता है तुसी घर खवाया तानु चाह दियो चाह तो रहे हो चलो भाई तो वाली चाह पियो हां मैंने खाया मैंने नहीं है बस ये मिलन ताई हो रो रात के ये तक को चलो हुन तक खाते है शाम तक मेरे को और भाई इधर ये देखिए ओए होए कितनी प्यारी बिल्ली क्या बात है भाई क्या बात है इसका नाम क्या रखा है भाई अब इतना है समोकी नहीं है वो तो हो रही एल्सा 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 एक समोकी ना पहले भी एक दफा बिल्ली रखी आई अच्छा। उसका नाम है समोकी अच्छा। सारे ज़हन ते आ जाता है समोकी है मिस एल्सा मिस एल्सा हाउ आर यू हाय हाय हेलो मिस नहीं तेरी इंग्लिश नहीं पसंद आई बात तो सुनो वैसे है बड़ी क्यूट इसकी आंखें इसकी अदाएं आहा हा क्या बात है अब गिर जाएगी गिर जाएगी पता नहीं है क्यों ये मेरी थोड़ी सामान है दवाइयां ले रही है सो सो के ना थकी पड़ी है अभी ये रजाई में सोई हुई थी जागी है मैं देख के माशाल्लाह वाकिया ये प्यारी लगती है हुन थोड़ी जी अखां तो ओले हो जावी ते असि ता इंज बजदने आ इना सारे घर आई बल्ली किथे गई किथे गई बल्ली या बिल्ली एको तुम्हारी बाजी बल्ली फिर अटैचमेंट हो जाती है इतने प्यारे पेट्स हो तो फिर अटैचमेंट तो भाई होती है इनके साथ ये बड़ी प्यारी घर का फर्द बन चुकी है ये थोड़ा जहा थले आ जाए आए हाय बेचारी के आंदी असि मैंने थले नहीं पाया पाया असि मैंने चाह के कोल अपनी गोदियां लाए के अमने आई हूं भाई थोड़ा हिस्सा है कोई पता नहीं खाना पीना छड़ गई है सुस्त जी इस तरह ने बस लेटी रही है कोई ऐसी हरकत नहीं करें पता की मसला हो गया बिस्तरियां पोटियां नहीं करें ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖਦੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਬੜੀ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾ ਹੋ ਨਾ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਨਾ ओए होए इतनी क्यूट इतनी चेक करो इसकी क्यूटनेस नहीं नहीं भाई वाकई दिल जीत लेती है ये दिल जीत लेती है ओए होए होए ओए हो यार मुझे दे दो मुझे गिफ्ट कर दो इधर चेक करो यार मैंने तो सारा दिन इसके साथ ही खेलना है जितनी ये क्यूट है डर गई डर गई भाई इधर आए थे और हमने आजकल एक शहर में प्लाट देख रहे हैं और यहाँ पे देखें ये एक प्लाट हमने देखा है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ किस तरह से है प्लाट की थोड़ी डायरेक्शन समझा दें हमें एक भाई ये प्लाट है ना ये देख ले 6.5 मरले का प्लाट है एक इसकी बाउंड्री ये है और वो सामने आपको नजर आ रही है ये ऐसे वहाँ तक शापर तो फिर होते हैं ना जब तक प्लाट ऐसे पड़े होते हैं हाँ और भाई उसके बाद गली मैं आपको बताऊं ये तकरीबन 15 फुट की गली है वहाँ से वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना घर मतलब उसके बिल्कुल सेध में आनी है गली यहाँ तक और एक प्लाट यहाँ पे है
तो मैं सोच रहा हूँ कि ये हमारे लिए ना काफी फायदा मंद रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं और बड़ी बड़ी एग्जैक्ट लोकेशन पे है जी, और इधर से आपका घर भी वो सामने नजर आ रहा है, वो भाई ये जो टावर नजर आ रहा है ना ये घर है। क्या ख्याल है फिर? तो इसका भाई रेट वगैरह पता कर रहे हैं अभी, जिसका है उससे मिले हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रेट वगैरह जो है ना हम आपको बाद में घर फैमिली के साथ डिस्कस करके फिर बताएंगे, लेकिन जो लोकेशन है ना बहुत प्यारी लोकेशन है। इधर सामने एक प्यारी सी मस्जिद भी है, ये देखें खजूर के दरख्त लंबे लंबे यहाँ सामने, लोकेशन भी बड़ी प्यारी है। आपका दिल आ गया है? मकान पाउन वास्ते 30 लाख रुपया चाहिए ते लंबी डिस्कशन है। घर जाके हम लड़ेंगे भी सही और डिस्कस भी करेंगे। हम फैमिली आपस में बेईमान मैं भी हो गई हूं, सदाकत भी हो गया, वसीम पीछे पीछे आंदा जांदा है। एक दो प्लॉट और भी हमारी नजर में हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है ना, मुझे भी पसंद आ रहा है ये वाला प्लॉट, बहुत अच्छा है। बाबा सानू शहर प्लॉट लेके दे, मैं मतलब हुणे फाइनल कर दिता है, कोई हाल नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, शादी के बाद तो फिर यही होता है, आपके लिए बंदा जीना कमाना छोड़ देता है तकरीबन, बीवी के लिए बच्चों के लिए उन्हीं के सोच शुरू हो जाता है, चाहे हो या ना हो। वे अभी चलते हैं वापस, ये सेल हुए पड़े हैं घरों के लिए, यहाँ पे भराई हुई पड़ी है। तो चले भाई, अभी हम घर वापस पहुंच चुके हैं और प्लॉट तो माशाल्लाह हमें बहुत पसंद आया है। हम सोच रहे हैं कि वसीम के लिए जो घर बनाए ना वो शहर में बनाए, यहाँ देहात में तो सब लोगों ने घर बना लिए हैं अपने अपने हिस्से के, लेकिन अब हम चाहते हैं कि शहर में भी एक घर हो, वहाँ पे भी रहने की हमें ज़रूरत पड़ती है, अक्सर आते जाते रहते हैं, तो शहर में हमारा घर होना चाहिए। और यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा खर्चे कर दिए हैं, देहात में रहने के लिए तो हमारे लिए ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट घर है, लेकिन भाई ये है कि यहाँ पे इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब जैसे पैसे लगे हुए ना वो भी नहीं, मतलब यहाँ पे कोई ख़रीदता नहीं है। फ़र्ज करो हमें कभी ये घर चेंज करना पड़ जाता है, कहीं आना, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ जाता है, तो इस घर की फिलहाल यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो हम इसीलिए सोच रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी हम स्टेप उठाएं ना, मतलब वसीम के लिए घर बनाना चाहते हैं, तो फिर शहर में बनाएं। अभी सर्च चल रही है प्लॉट के बारे में, इंशाल्लाह पसंद आ जाएगा जल्दी और खरीद भी लेंगे। वैसे ये वाली लोकेशन जो है अच्छी थी, और लेकिन वसीम को ना थोड़ा सा साइड पे भी एक पसंद आ रहा है, तो इस बारे में हम डिसीजन करेंगे, और असल डिसीजन तो तभी होगा जब इसकी कॉस्ट का पता चलेगा, क्योंकि कहते हैं ना चादर देख के पांव फैलाना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने चलना है। बस आज की वीडियो इतनी थी, होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।